साथियों, आज भारत में नव निर्माण की क्रांति चल रही है। बीते 9 साल में भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, 34 लाख करोड़। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नए एयरपोर्ट, नए एक्सप्रेसवे, नए रेल रूट, नए ब्रिज, नए अस्पताल, आज भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है यह वाकई अभूतपूर्व है। 70 साल में यह, और मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिसाब किताब के लिए कुछ रेफरेंस जरूरी होता है। और इसलिए मैं उस रेफरेंस के आधार पर बात कर रहा हूं। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, 20,000 किलोमीटर, जबकि पिछले 9 साल में भारत में करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ...2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर, किलोमीटर मत समझना, सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। ...2014 से पहले देश में 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 से पहले देश में करीब करीब 70 के आसपास ही हमारे एयरपोर्ट थे, 70। आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपास पहुंच रही है। 2014 से पहले देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सिर्फ 60 शहरों में था, 60। अब देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया है।